आजमगढ़ जनपद में लगातार कोविड के मामले सामने आने के साथ ही प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में अलग से बने आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। हालांकि यहां पर साफ सफाई व अन्य सुविधाओं को लेकर दिक्कत बरकरार है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही पीड़ित लोगों की संख्या में भी भारी इजाफा हो रहा है। स्थिति यह है कि आजमगढ़ का मंडलीय अस्पताल, जहाँ पर सामान्य रोगियों के इलाज की व्यवस्था है, वहाँ पर बहुत से लोग अचानक से सांसें फूलने की बीमारी को लेकर पहुँच जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार अफरा तफरी की स्थिति हो जा रही है। अस्पताल की ओपीडी पहले से ही बंद करा दिया गया है और अचानक तबीयत बिगड़ने या सांस फूलने की बीमारी वालों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हालांकि कई बार ज्यादा संख्या होने पर मंडलीय अस्पताल के साथ ही शहर के दो नर्सिंग होम को भी मरीजों की भर्ती के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव गंभीर पेशेंट के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही दो अन्य नर्सिंग होम को कोविड अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद भी मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। स्थिति यह है कि प्रतिदिन 450 के आसपास पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। करीब 10 लोगों की मौत का अधिकृत देवरा किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी मौतें हो रही हैं जो पूरी तरीके से रहस्यमय बनी हुई हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक से हूँ। आज किस लिए आज यहाँ पर किस तरह की देखभाल किया गया, क्या व्यवस्था है? यहाँ आज आइसोलेशन वार्ड में हमारी ड्यूटी लगी हुई है और यहाँ 10 बेड हैं, जो कि सुबह 8 बजे 10 बेड हमारे फुल थे। सुबह 8 बजे से अभी तक कोई भी पॉजिटिव नया मरीज हमारे वार्ड में नहीं आया है। हाँ, एक मरीज की मृत्यु हुई है और एक मरीज डिस्चार्ज हुआ है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल है, जैसे मैं ड्यूटी पर हूँ, ऑक्सीजन लगातार अवेलेबल चल रही है, सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। सर, आपने बताया कि कुछ लोग आज लेट से आ रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे उसके लिए? ये तो सतर्कता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब देर हो जा रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी घट जा रहा है, तब हमारे पास पहुंच रहे हैं। अगर लोग ये शुरुआती लक्षण पकड़ लें और ऑक्सीजन की कमी समय रहते अगर वो पकड़ लें और हमारे पास आए, तो हमें बचाना बहुत आसान होगा, क्योंकि देर से आने में हम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कई मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल आज सुबह से स्थिति तो कुछ, यहाँ जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, कुछ संतोषजनक दिख रही है, कोई नया मरीज नहीं आया है। हाँ, यद्यपि सांस फूलने के कई मरीज आए हैं, लेकिन सबकी जांचों में निगेटिव ही आया हुआ है। सबको भर्ती किया गया है, सबको ऑक्सीजन चल रही है। वो यहाँ आइसोलेशन वार्ड में नहीं भर्ती है, अंदर भर्ती हैं। कुछ लोगों को साई हॉस्पिटल भेजा गया है, कुछ लोगों को सहज हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।